Hello everyone, welcome to TechnoRuhes and let's start with our daily tech news. टेक ने शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आज सुबह में मैंने एक रिलायंस का नया वीडियो अपलोड किया हो और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हो कि आप कैसे जो वो रिलायंस के जियो के सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो भी प्रीवियस वीडियो अपलोड किए थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप सिम कार्ड कैसे जो वो ला सकते हैं गैलरी में से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैंने सिम कार्ड जब हाथ में आ जाता है उसके बाद कैसे एक्टिवेट करना है, क्या कुछ आपको SMS आते हैं, फिर कहाँ पे कॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है और क्या कुछ उसके अंदर आपको जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं उसके अंदर क्लियर कराओ। जो भी एरर आपको जियो जॉइन से आते हैं, एक्सप्रेस से आते हैं, 2GB से फिर कैसे अनलिमिटेड करना है, एक अच्छा खासा लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बनाया हूं। आपको नहीं पता तो यहां पे आपको मैं इसकी एक लिंक दे देता हूं, आप जाइए चेक करिए, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी सिम कार्ड आ जाता है रिलायंस का और कोई भी 4G फोन होता था, आपको ये ट्रिक मिलेगी, आप यहां से जाइए और अपने सिम कार्ड को आसानी से जो वो अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर लीजिए। पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो आ रही है वो रिलायंस की तरफ से आ रही है। और कल जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिलायंस ने कुछ ऑफिशियल जियो सर्विस को लॉन्च किया था और काफी सारी चीजें उन्होंने वहां पे जो बताया है कि हम कुछ जो है वो आपको फ्री कॉल दे रहे हैं, फ्री SMS दे रहे हैं, फ्री अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं और 31 दिसंबर तक भी आप जो फ्री डेटा को जो वो यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ क्लियर रिपोर्ट्स सामने आई है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो रिलायंस के सामने आ चुकी है, तो बहुत से लोगों को जो एक वहम था कि जी हाँ हमें जो अनलिमिटेड डेटा यूज करने को मिलेगा। हालांकि आपको अनलिमिटेड डेटा यूज करने को तो मिलेगा ही, लेकिन 5 सितंबर के बाद से जो लोग जो वो प्लान ले गए और जो उसके पहले जो ले चुके थे वो सारे प्लान जो है वो वेलकम ऑफर के अंदर आने वाले हैं और वहां पे हमें जो वो अनलिमिटेड डेटा नहीं यानी कि पर डे जो वो सिर्फ 4GB का डेटा यूज करने को मिलेगा, जो कि काफी हो जाता है। और अगर आप पर डे 4GB डेटा की लिमिट को खत्म कर देते तो आपकी स्पीड जो वो 128 KBPS के ऊपर आ जाती है, बंद नहीं होता लेकिन 128 KBPS के ऊपर आ जाती है। तो महीना ये लगभग अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मोर देन 120 GB यूज करने को मिल जाता है। साथ में SMS की बात करते हैं तो आपको 100 SMS पर डे मिलने वाला है, आपको अनलिमिटेड SMS नहीं मिलेंगे और कॉलिंग की मुझे यहाँ पे कोई जानकारी फिलहाल अभी आई नहीं है। तो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन था कि 5 सितंबर के बाद अगर हम यूज करते हैं तो क्या हम दिन में कुछ भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड नहीं करेंगे। सारे लोगों को जो हम भी यूज कर रहे हैं जियो प्रीव्यू में जो भी चल रहे हैं 5 सितंबर के पहले जो लोग ने जो ये काम किए हैं और 5 सितंबर के बाद जो नए लोग भी आएंगे उन सबको जो वो 4GB का डेटा मिलेगा पर डे 31 दिसंबर तक का। और उसके बाद आप जो है वो उसके बाद जो भी उनका प्लान है उसके हिसाब से आपको जो वो पे करना पड़ेगा और जो वो खरीदना पड़ेगा। डील की बात करते हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए 2 डील लाया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि किंगस्टन का 16GB का माइक्रो SD कार्ड क्लास 4 वाला 4 MBPS के आपको ट्रांसफर स्पीड के साथ में मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस की आप यहाँ पे देख सकते 350 रुपीज थी फ्लिपकार्ट के ऊपर, अब यहाँ पे आपको सिर्फ 240 रुपीज में मिल जाएगा। रेटिंग्स भी काफी अच्छी आई है, अगर आपको इंटरेस्ट है 16GB का मेमोरी कार्ड खरीदना है तो 240 रुपए के आसपास आपको अच्छा खासा मेमोरी कार्ड जो वो मिल जाता है। दूसरे डील की बात करते हैं तो iPro का IP1042 पावर बैंक यानी कि 10,400 mAh का पावर बैंक जो यहाँ पे आप जैसे कि इमेजेस में देख सकते हैं वो आपको जो वो सिर्फ 800 रुपीज के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा। जी हाँ, तो काफी यूजफुल चीज है, रेटिंग्स भी काफी अच्छा ही है और ओरिजिनल प्राइस लगभग 2,000 रुपए के ऊपर थी। तो दोनों डील की लिंक आपको नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए अगर आपको इंटरेस्ट है तो डील को जो वो यूज कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ लॉन्चेस की। तो जैसे कि हमें पता है कि IFA जो वो एक इवेंट चल रहा है मोबाइल का और बर्लिन के अंदर इवेंट हेल्ड है 2 सितंबर से सारे फोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो वो वहां पे अपने फोन्स को जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं और काफी सारे नए फोन्स आ जाते हैं मार्केट में, फिर वहां से वो सारे फोन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो जाते हैं फिर ऑफिशियल लॉन्च हो जाते हैं अपनी अपनी पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर। अब यहाँ पे काफी सारे फोन्स लॉन्च हुए, अल्काटेल ने किया है, हुआवे ने किया है, लिनोवो ने किया है, सोनी ने किया है और बहुत सारे फोन्स वहां पे जो लॉन्च हुए, तो काफी लंबी लिस्ट है। अगर मैं बताने बैठूंगा तो लगभग से ये टेक न्यूज काफी लंबा हो जाएगा। कुछ हाइलाइटेड चीज मैंने वहां से आप लोगों को लाया हूं और बता रहे तो कि लिनोवो के बारे में, क्योंकि लिनोवो के फोन्स बहुत जल्दी जो है इंडिया में आ जाते हैं, तो लिनोवो ने अपने वहां पे K सीरीज के फोन्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। लगभग वहां पे 3K सीरीज के फोन्स लॉन्च किया है, लिनोवो का K6, K6 पावर और K6 नोट। ये तीनों के फोन्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो तीनों में आपको जो है वो लगभग से अच्छी खासी मेटल यूनिबॉडी की डिजाइन मिल जाती है। तीनों के अंदर आपको 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है और तीनों के अंदर आपको 3000 और 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। रैम की बात करेंगे तो तीनों में आपको 2GB का रैम मिलता है, एक में 3GB का मिलता है, एक में जो वो 4GB का मिलता है। 5 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, एक में 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। ऑक्टाकोर के स्नैपड्रैगन के 430 के प्रोसेसर के साथ में ये आते हैं और काफी सारे नए चीजें लेनोवो ने वहां पर डाला है और लॉन्च किया है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये सारे फोन्स की जो प्राइस है वो लगभग से लगभग 15,000 रुपए के अंदर आ सकती है। अब ये फोन्स मुझे पता नहीं कि इंडिया में कब लॉन्च होंगे, लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च होंगे क्योंकि हमें पता है कि लेनोवो का ZUG Z2 जो काफी जल्दी बोला जा रहा है कि सितंबर में इंडिया में जो वो लॉन्च होने वाला है।
पे एक और खबर जो वो लिनोवो की तरफ से आ रही है, और बोला जा रहा है कि लिनोवो का A6000 का जो सीरीज का जो फोन है उसके अंदर लिनोवो ने अपना एक नया A6600 वाला मॉडल जो वो इंडिया के अंदर सीक्रेटली जो वो लॉन्च कर दिया है। हालांकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 6999 रुपीज के अंदर ये लोकल मार्केट में सेल हो रहा है, काफी सारे लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले उसमें मिलेगी, 1 GHz का आपको क्वाडकोर का मीडियाटेक का MT6735 का प्रोसेसर होगा, 1 GB की रैम है, 16 GB की स्टोरेज है, माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं, डुअल सिम का 4G फोन है, 8 MP का आपको रियर फेसिंग कैमरा है, 2 MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा है। प्राइसिंग के हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन बिल्कुल भी मैच नहीं होती। लिनोवो के फोन्स कभी भी अगर लो बजट के होते हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदेगा। अगर आपको लिनोवो के फोन्स खरीदने हैं तो आप हमेशा से जो 12,000 से 15,000 रुपीज के जब ऊपर जाते हैं तो ही आप जो वो खरीद दीजिएगा। माइक्रोमैक्स ने अपना एक नया लैपटॉप जो आज इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, माइक्रोमैक्स नियो के नाम से। ये लैपटॉप माइक्रोमैक्स ने बोला है कि इन्होंने सिर्फ जो है वो स्टूडेंट्स और जो बिजनेस के काम करते हैं ये सिर्फ उन्हीं को टारगेटेड करके जो उन्होंने ये लैपटॉप को लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 14 इंच की HD की हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है, इंटेल का पेंटियम कोड कोर का N3700 का इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है जो कि 2.4 GHz के ऊपर जो वो क्लॉक्ड है, 4 GB की आपको DDR3 की रैम मिलती है और 500 GB का आपको अंदर जो वो हार्ड डिस्क मिलता है, विंडोज 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और बैटरी की बात करें तो 4800 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करते हो तो 18,000 रुपीज के ना उन्होंने जो लैपटॉप को लॉन्च किया है, काफी अच्छा लैपटॉप है। प्राइसिंग की बात करें तो 4 GB की रैम है, 500 GB का आपको हार्ड डिस्क मिल जाता है, प्रोसेसर भी अच्छा है और स्क्रीन भी अच्छी है। अगर आप लोग स्टूडेंट है, अगर आपको अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए एडिटिंग के लिए, तो माइक्रोमैक्स का नियो लैपटॉप आपके लिए जो वो बेस्ट है। गूगल की तरफ से कुछ खबर आ रही है, और जैसे कि आपको अपने मैंने प्रीवियस टेक्न्यूज में बताया था कि गूगल के जो 2 नए फोन्स आ रहे हैं HTC नेक्सस सेलफिश और HTC नेक्सस मार्लिन के नाम से पहले जो रूमर थे, और जैसे कि आपको मैंने बोला था कि नेक्सस की ब्रांडिंग जो वो हटाने वाली और गूगल अपनी ब्रांडिंग डाल रहा है, तो फाइनली ये न्यूज जो वो कन्फर्म्ड हो गई है और यहाँ पे क्लियर होकर आया है कि गूगल के जो 2 नए फोन्स आ रहे हैं अब उनका जो नाम होगा वो गूगल पिक्सल होगा और गूगल पिक्सल XL के नाम से ये फोन्स आने वाले। यहाँ पे कुछ इमेजेस भी लीक होकर आई है गूगल के अपकमिंग फोन्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक में एक जी का लोगो मारा गया है जिससे ये क्लियरली पता चला कि आपको HTC और नेक्सस के लोगो जो वो नहीं आने वाले। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अक्टूबर 4th को 2016 को जो है वो गूगल एक इवेंट रखने वाला है जहां पे ये दोनों फोन्स को जो वो अनवील्ड करने वाला है, तो वेट कर लेते हैं और देखते हैं ये फोन जब आते हैं US में लॉन्च होने वाले हैं उसके बाद जब इंडिया में आते हैं क्या कुछ स्पेसिफिकेशन आती है और क्या प्राइसिंग हमें उसके अंदर जो वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं Champ1C1 मोबाइल की। हमें जैसे कि पता है कि Champ1C1 ने जो एक मार्केटिंग गिमिक रखा था फ्रीडम की तरह, उसने जो हरकत करी थी वो फ्रीडम जैसी करी थी, और फ्रीडम ने बोला था कि 251 रुपीस के नाम में जो वो फोन देने वाला है और काफी लफड़ा चल रहा था। अब चैंप ने भी दावा किया था कि वो 501 रुपीस के नाम में जो वो फोन देगा, और जो कि एक्चुअल प्राइस उस फोन की थी वो 8,000 रुपीस थी, और आज उसका जो वो फर्स्ट फ्लैश सेल जाने वाला था जहां पे वो लकी 1,000 रजिस्टर्ड लोगों को जो वो 501 रुपीस के ना फोन देने वाला है। अब क्या होगा कि उनकी जब वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं तो वहां पे लिखा कि कुछ टेक्निकल इशू है और ये जो फ्लैश सेल ये पोस्टपोन हो गई है, जैसे ही हमारे वेबसाइट क्लियर हो जाती है हम वापस आएंगे और फ्लैश सेल जो स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये सारे चीजें जो वो फेक होती है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, बस लोगों को अपना चैंप के अपनी कंपनीज के बारे में एक टैग मिल जाता है, हाँ ये कंपनी आई है देखिए ऐसे ऐसा दे रही है, तो बस यही वो चाहते हैं, एक माउथ पब्लिसिटी चाहते हैं, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट उनको मिल जाती है और पैसे तो वो लोग उल्टा कमा लेते हैं बल्कि ऐसी कोई चीज वो जो देते नहीं है। तो ऐसी चीजों से आप बिल्कुल भी बचिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा और जाके अपना रजिस्टर करके अपने खून जो मत जलाइएगा। अब एक ऐसे फोन की बात करते हैं जो कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप सही में जो एक सपना देख रहे हैं। जी हाँ, ऐसा फोन भी एक बहुत जल्दी ही एक कंपनी है ट्यूरिंग रोबोटिक इंडस्ट्रीज के नाम से ये एक फोन ऐसा लॉन्च कर रही है जो कि मुझे लगता है जब ये मार्केट में आएगा तो प्राइसिंग तो काफी हाई होने वाली है लेकिन सारे फोन्स को जो है सुला देगा। अब बात करते हैं वो एक अपना नया फोन ला रहे हैं ट्यूरिंग कैडेंजा के नाम से। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता रहे थे, 5.8 इंच की हमें कोड HD की डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसके अंदर 2 Qualcomm Snapdragon 830S के प्रोसेसरों के जो अभी तक आया भी नहीं है और शायद से उन्होंने बात किया होगा कोलकॉम से, शायद से ये 2 प्रोसेसर एक भी नहीं, 2 Snapdragon 830S के प्रोसेसर के साथ में आने वाला है, 12 GB की रैम होगी और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत फेक भी होगा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 TB की स्टोरेज मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगी और साथ में अलग से 60 MP का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 20 MP का आपको डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और बहुत ही इम्पॉसिबल स्पेसिफिकेशन है लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है। और ट्यूरिंग रोबोटिक इंडस्ट्री काफी बड़ी कंपनी है और ये फोन बोला जा रहा है कि 2017 से ये फोन जो वो हम लोग जो वो शिप करना शुरू कर देंगे। देखते हैं
ऐसे फोन्स अगर आते हैं तो क्या कुछ हमें देखने को रियलिटी में अगर ऐसे फोन्स मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की टेक न्यूज़ जो है यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ जो है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से मेरे टेक न्यूज़ को जो है लाइक करिएगा, और आप लोग ने मेरे सारे टेक न्यूज़ को इतने अच्छे लाइक देते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग जो करते रहिएगा, मैं आप लोगों की तरफ जो वो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस न्यूज़ कुछ भी होगा वो लाता रहूंगा मेरे चैनल पर। आप लोग कभी भी निराश नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि आज काफी सारी चीजें जो वो लॉन्च हुई है, रिलायंस का कुछ असली चीज सामने आपने देखने को मिला है कि क्या कुछ रिलायंस देने वाला था और क्या कुछ बाद में सामने जो आया है। काफी सारे फोन्स IFA बर्लिन में लॉन्च हो रहे हैं, तो मैंने कुछ हाइलाइटेड फोन्स आपको बता दिया। एक अनबिलीवेबल फोन है जैसे कि आपको मैंने बताया ट्यूरिंग का, वो भी आने वाला है। और Xiaomi का भी एक प्रोडक्ट जो MI Pay करके उन्होंने कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो तो चाइना में हुआ, इंडिया में नहीं है। इंडिया में आएगा तो उसके बारे में भी आपको जो जानकारी दे दूंगा। गूगल के नेक्सस के फोन्स के बारे में भी आपको बता दें कि ब्रांडिंग अब जो हटने वाली, गूगल के फोन October 4th को बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले, बहुत कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना था, और अगर आप स्टे ट्यून करिएगा, कमेंट्स करके बता दीजिएगा रिलायंस से रिलेटेड आपको कोई इशू हो गए, और भी वीडियोस में बनाने वाला हूं, एक लाइव कवरेज भी करने वाला हूं, उसके लिए भी आप जो स्टे ट्यून करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और लाइव वीडियो बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो अपने रिलायंस के जियो के सिम को अपने कोई भी 4G फोन्स में डाल के उसको आसानी से जो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये वीडियो में मैं आपको